बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 22 का लास्ट टॉपिक है एडहेसिव एंड एडहेसिव एंड इट्स वेरियस टाइप्स। इसको आप ऐसे प्रोनाउंस कीजिए एडहेसिव, एडहेसिव। ओके, एडहेसिव किसे कहते हैं? आप जानते हैं सीमेंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ग्लू का नाम आप लोगों ने सुना होगा, समद बॉन्ड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एल्फी, जिम्सा, मुख्तलिफ आप लोगों ने बाज़ार में ये नाम सुने हुए हैं। एडहेसिव किसे कहते हैं? ये देखें जनाब, कोई भी मेरे पास दो सरफेस हों, ये मेरे पास दो सरफेस हैं, सरफेस नंबर ए, सरफेस बी। इन दो सरफेस को जोड़ने वाला एजेंट, वो एजेंट जो इन दो को आपस में जोड़ता है, यानी ये ब्लू मार्क्ड एरिया जो है, यहाँ पर क्या मौजूद होगा? यहाँ पर एडहेसिव मौजूद होता है। इस ए और बी को, इस ए और बी को या तो हम सबस्ट्रेट कहते हैं या इनको बोलते हैं एडहेरेंट, चिपकने वाले। तो एडहेसिव वो लोग होते हैं जो चीज़ों को आपस में चिपकाते हैं। सीमेंट से आप चीज़ों को चिपकाते हैं, गम से, ग्लू से आप चीज़ों को चिपकाया करते हैं। यानी एक साइंटिस्ट हैं, उनके मुताबिक ज़िंदगी नामुकम्मल हो जाएगी अगर एडहेसिव को बीच में से निकाल दिया जाए। जस्ट इमेजिन करते हैं आपके शूज़ के बगैर कोई भी नहीं घूमता, तो अपर और सोल के दरमियान अटैचमेंट ग्लू किया करते हैं, हमेशा एडहेसिव किया करते हैं। आपके पास बुक्स बगैर एडहेसिव के नामुमकिन हैं। ओके, ये जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, ये पीछे लासानी की शीट है, इसके ऊपर फार्मिका, ये लेमिनेट उसके ऊपर चिपकाया गया है विद हेल्प ऑफ एडहेसिव। तो एडहेसिव आपका मोबाइल बगैर एडहेसिव के नामुमकिन है कि वजूद में आता। ओके, तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके अंदर जो पुर्जे हैं, उनको चिपकाना, उनको आपस में जोड़ना, ये जो आप लोग स्क्रीन के ऊपर लगा रहे होते हैं, एक फिल्म लगाते हैं पतली सी, वो फिल्म भी बगैर एडहेसिव के नामुमकिन थी कि उसके ऊपर चिपकती। ओके, तो एडहेसिव दो चीज़ों को चिपकाने वाले एजेंट को एडहेसिव कहते हैं। एडहेसिव इज अ बाइंडिंग एजेंट, इज अ सीमेंटिंग एजेंट, वो एजेंट जो चीजों को आपस में जोड़े, बाइंड करे, दैट इज नोन एज एडहेसिव। अब हम आते हैं केमिस्ट्री की जानिब। तो केमिस्ट्री से पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, या अगर मैं कह दूं कि हम इनके टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी डाइवर्सिटी यहाँ पर मौजूद है कि अगर हम क्लासेस की तरफ जाएं या टाइप्स की जानिब जाएं। क्योंकि बुनियादी मसला हमें ये होता है कि आप किस बुनियाद पे एडहेसिव को क्लासिफाई करने जा रहे हैं, आप किस बुनियाद पे? तो कई बुनियादें हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर वन, आप उसके केमिकल फार्मूले की बुनियाद पे काम कर रहे हैं तो अलग टाइप्स आ जाएंगी। आप टारगेट कि आपने इस ग्लू से, इस एडहेसिव से जोड़ना किसको है, ओके,
ये बताएं कि जो एडहेशन वाकया होगी, अटैचमेंट दो चीज़ों के दरमियान जो वाकया होगी, वो रिएक्शन के नतीजे में होगी या बगैर रिएक्शन के नतीजे में होगी? आया तुम्हें एक सॉल्वेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? आया इसको आप ड्राई करेंगे या ड्राई करने के बगैर बस लगाने की देर है और चीज़ें चिपक जाएंगी? ओके, सॉल्यूशन टैप, डबल टेप, ये हमारे पास वेरियस एग्जांपल हैं एडहेसिव के। तो याद रखें, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आप करना चाहें कि ये चीज आई कहां से है, नेचुरल है कि सिंथेटिक है, ओरिजिन की बुनियाद पे, पर्पस की बुनियाद पे, प्रोसीजर की बुनियाद पे, कंपोजिशन की बुनियाद पे, स्टेबिलिटी की बुनियाद पे, एटसेट्रा, कई बुनियादों पर हम ये बात कर सकते हैं, सॉल्वेंट की बुनियाद पे। तो पहला पॉइंट मैं ये डिस्कस करूंगा, बाकी सब आज हम डिस्कस करेंगे। पहले ओरिजिन की बात सुन लीजिए। याद रखें, ओरिजिन वाइज याद रखें कि एडहेसिव जो होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, वो सिंथेटिक भी हो सकते हैं। नेचुरल, आपके पास डेक्सट्रिन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, ये बेहतरीन किस्म का एडहेसिव है। सिंपल सी बात है, आप आटा और पानी को मिक्स करें, कागज़ों के बीच में लगाएं, जब ये खुश्क हो जाएगा तो कागज़ आपस में मजबूती के साथ चिपके हुए होंगे। ओके, तो याद रखें कि नेचुरल में आपके पास एक आसान सी एग्जांपल मैंने कोट कर दी है, स्टार्च वाली, आप स्टार्च से काम कर सकते हैं। एक और है मेरे पास, म्यूसिलेज। म्यूसिलेज एक एडहेसिव है जो हमें प्लांट से मिलता है। सिमिलरली स्टार्स भी आपने देखा कि हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। मिल्क से कैजिन बना लीजिए, कैजिन, तो वो कैजिन के अंदर भी एडहेसिव प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। ओके, तो सिंथेटिक ये भी हम डिस्कशन करेंगे, और हम एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी के साथ, बहुत बड़ी वैरायटी के साथ सारे एडहेसिव को हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं। ओके, तो बुनियादी बात से हम स्टार्ट लेते हैं कि सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि जो मेरा एडहेसिव है, जो हमारे पास एडहेसिव है, ये किस बुनियाद पर है। तो नंबर वन क्लासिफिकेशन हम ये लेते हैं कि ये देखें कि ये रिएक्शन बेस्ड एडहेसिव है या नॉन रिएक्शन बेस्ड एडहेसिव है। सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं कि जो हमारे पास एडहेसिव है वो, उसकी बुनियाद हम ये लेते हैं कि आया ये जो चिपकना मुमकिन हुआ है ये केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हुआ है या वांडरवाल फोर्सेस काम कर रही हैं। ओके, अगर केमिकल रिएक्शन वाकया हुआ है उनको हम बोलते हैं कि रिएक्शन बेस्ड एडहेसिव, और अगर बगैर रिएक्शन के चीज़ों को मैंने मिक्स किया और चीज़ें चिपक गई तो इसको बोलते हैं नॉन रिएक्शन बेस्ड एडहेसिव, नॉन रिएक्शन बेस्ड एडहेसिव। नॉन रिएक्शन बेस्ड एडहेसिव की फिर हमारे पास बहुत बड़ी वराइटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉन रिएक्शन बेस्ड एडहेसिव में जो मेरे पास पहली पहली क्लास है दैट इज ड्राइंग एडहेसिव। नॉन रिएक्शन बेस्ड एडहेसिव में जो मेरे पास सबसे पहली क्लास है दैट इज ड्राइंग एडहेसिव। नाम से जाहिर है कि इनको आप अप्लाई कर लेंगे, जब ये खुश्क हो जाएंगे तब एडहेशन वाकया हो चुकी होगी, उससे पहले वाकया नहीं होने वाली। तो अब इस ड्राइंग एडहेसिव के हमारे पास फिर दो मेन टाइप्स आती हैं।
दो मेन टाइप आती हैं कि ये जो ड्राइंग वाकया होती है ये किस बुनियाद पे है, ये सॉल्वेंट बेस्ड ड्राइंग एडहेसिव की आप बात कर रहे हैं या आप बात कर रहे हैं पॉलीमर डिस्पर्शन बेस्ड एडहेसिव की आप बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्वेंट बेस्ड एडहेसिव की हम बात स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है, प्लीज समझिए क्या करेंगे। यहां पर जो एडहेसिव होता है वो कोई पॉलीमर होगा, कोई भी पॉलीमर ले लीजिए, कोई भी पॉलीमर ले लीजिए, उस पॉलीमर को आप सॉल्वेंट के साथ मिक्स करें तो ये पॉलीमर और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर है आप अप्लाई कर देंगे। मैंने थोड़ी देर पहले बात की, आटा और पानी को मिक्स कर दीजिए। जब आप आटा और पानी को आप मिक्स कर देंगे तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, उसको अब आप अप्लाई कर दें। जब ये खुश्क हो जाएगा, जब सॉल्वेंट एस्केप कर जाएगा तो एडहीजन वाकया हो चुकी होगी। तो यानी कि ड्राई कौन हुआ, सॉल्वेंट के निकल जाने से, एवेपोरेट होने से एडहेशन को मुमकिन बनाया गया है। ये सॉल्वेंट बेस्ड एडहेसिव की बात की जा रही है। प्लीज़ याद रखें, ये जो सॉल्वेंट बेस्ड एडहेसिव होते हैं, याद रखें ये इनफ्लेमेबल होते हैं। क्या होते हैं, इनकी अहम बात है कि इनफ्लेमेबल होते हैं। नंबर वन पॉइंट, इनफ्लेमेबल। इसके जो आपके पास बेस्ट एग्जाम्पल है वो आपके पास है वाइट ग्लू, वाइट ग्लू। सिमिलरली आपके पास रबर, सिमिलरली आपके पास बल्कि वही रबर सीमेंट जो होती है, रबर सीमेंट जो होती है वाइट ग्लू हो गया है। ये हमारे पास सॉल्वेंट बेस की एग्जांपल बनती हैं। याद रखें कि इनको हम ये भी कहते हैं कि ये इनफ्लेमेबल भी होते हैं और आमतौर पर इनको एक्सपेंसिव भी तस्वर किया जाता है। सॉल्वेंट बेस एडहेसिव की बात हो गई। अब हम चलते हैं पॉलीमर डिस्पर्शन की जानेब, कि जो पॉलीमर डिस्पर्शन एडहेसिव होते हैं, पॉलीमर डिस्पर्शन एडहेसिव होते हैं, इसकी सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईटा के लिहाज से, सुनिए। इनको आप इमल्जन एडहेसिव भी बोलते हैं, इमल्जन एडहेसिव। व्हाट इज इमल्जन, आपको जानना चाहिए कि इमल्जन किसे कहते हैं। जब दो इमिसिबल लिक्विड को आप आपस में मिक्स कर दें, दो इमिसिबल लिक्विड को आप आपस में मिक्स कर दें, इसको बोलते हैं इमल्जन। और फिर इमल्जन का मसला क्या होता है, जब दो इमिसिबल लेयर हैं, यू नो वेरी वेल कि आपके पास एक बीकर में दो लेयर बन जाएंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि आपके पास फौरन दो लेयर बन जाएंगे, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। अब इनको मिक्स करने के लिए कि दे शुड रिमेन इन मिक्स कंडीशन, तो इनको मिक्स करने के लिए, इनको मिक्स अप मेंटेन करने के लिए, ताकि ये आपस में अलग अलग ना हो सकें, इस काम के लिए हम इनमें डालते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं, इमल्सिफायर डालते हैं। इमल्सिफायर इज गोइंग टू स्टेबलाइज दिस इमल्जन। अगर आप इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं डालेंगे तो अपर लेयर अलग, लोअर लेयर अलग, फिर मिक्सिंग का फायदा क्या हुआ। तो प्लीज, पॉलीमर डिस्पर्शन एडहेसिव आर आल्सो नोन एज इमल्जन एडहेसिव, ऑल्सो नोन एज अ इमल्जन एडहेसिव। अब यहां पे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, प्लीज बातों को समझिए। प्लीज, इमल्जन एडहेसिव का जो सबसे आम बात है, दीज आर मोस्टली पॉली विनाइल एसीटेट। इनकी केमिस्ट्री बता रहा हूं कि ये बेसिकली कौन होते हैं, पॉली विनाइल एसीटेट पॉलीमर्स होते हैं, पॉली विनाइल एसीटेट। अब डरे नहीं, मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि ये देखें आपके पास CH2, ये देखें CH
इस ग्रुप को हम विनाइल ग्रुप कहते हैं। इस ग्रुप को आप एसीटेट के साथ लगा दीजिए, विनाइल एसीटेट बनेगा। इसका जो पॉलीमर बनता है दैट इज PVA। अब काम के जाने बातें हैं, याद रखें ये जो एडहेसिव होते हैं, कौन से वाले, इमल्जन बेस्ड जो एडहेसिव होते हैं, ये वुड वर्किंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और ये बेस्ट भी होते हैं वुड वर्किंग के लिए। याद रखें इनको हम ये समझते हैं कि ये लोग क्या होते हैं, चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं ये। प्लीज़ याद रखें कि इनका एक मसला है, इनका एक मसला है, वो मसला क्या है कि अगर इनके ऊपर पानी लगता है, इनके ऊपर नमी लगती है, तो ये क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो मैं फिर लिख रहा हूँ कि दीज आर वाटर अनस्टेबल। ये जो इमल्जन एडहेसिव होते हैं ये वाटर अनस्टेबल होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इनकी जो एक्टिविटी होती है, इनकी जो एक्टिविटी होती है बेस्ट होती है एट लो टेम्परेचर। इन्होंने जिन चीज़ों को जोड़ा होता है ये लो टेम्परेचर पे बड़ा बेहतरीन काम कर रहे होते हैं। प्लीज़ याद रखें, आखिरी पॉइंट इसका है कि अगर इनको आप किसी शॉप में, किसी गोदाम में स्टोर करने जा रहे हैं तो इनके बारे में एक और कंप्लेंट है कि इनकी शॉर्ट लाइफ होती है शेल्फ के अंदर, स्टोरेज के वक़्त इनकी लाइफ, इनकी ज़िंदगी लंबी नहीं होती, ये जल्दी ख़राब हो जाया करते हैं। तो ये मैंने आपको सामने कुछ डिस्कशन कर दी है कि पॉलीमर डिस्पर्जन एडहेसिव बेसिकली इमल्जन होते हैं। किसके इमल्जन होते हैं जनाब, PVA पॉलीविनाइल एसीटेट का ये डिस्पर्जन सॉल्यूशन हुआ करता है। और ये लोग अगर आप इनको देखें, दे सीम्स जनरली ये आपको मिल्की वाइट दिखेंगे हमेशा। ये क्या होते हैं, मिल्की वाइट इन कलर, इन अपेरेंस। ये लोग आमतौर पर मिल्की वाइट हुआ करते हैं। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि नॉन रिएक्शन बेस्ड एडहेसिव की सबसे पहली क्लास थी ड्राइंग एडहेसिव। ड्राइंग एडहेसिव के फर्दर दो टाइप्स थे, पॉलीमर डिस्पर्जन एडहेसिव एंड सॉल्वेंट बेस्ड एडहेसिव। अब मैं नेक्स्ट की जानिब जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यानी कि मैं यूं कहने जा रहा हूं कि ये मेरे पास सॉल्वेंट, ये ड्राइंग एडहेसिव मेरे पास क्या थी, नॉन रिएक्शन बेस्ड की फर्स्ट क्लास थी। अब इसकी डिस्कशन जारी है, सेकंड क्लास डिस्कस करने जा रहा हूं, प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव। प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव, इसको हम शॉर्टकट PSA भी बोल सकते हैं, प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव। अब यहां पर फिर याद रखिए कि इनकी केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री बेसिकली ये लोग क्या होते हैं, इनके अंदर जो बेसिक केमिस्ट्री है, एक्राइलेट होते हैं, या इनके अंदर क्या होता है, रबर, जिसको हम लेटेक्स भी कहते हैं, लेटेक्स। इनमें या रबर होगा या लेटेक्स होगा, या ये लोग क्या होंगे, सिलिकॉन्स। प्लीज, सिलिकॉन को नहीं कहते, सिलिकॉन्स। अब मैं समझाता हूं एक्राइलेट क्या भला होती है। एक्राइलेट, प्लीज, ये जो हमारे पास एक्राइलेट की बात होती है, याद रखें ये ऐसे, ये आपके पास कौन, ये आपके पास CH2, ऐसे कर दीजिए। अब आपके पास यहां कार्बन, यहां आपके पास वंस अगेन कार्बोनिल ग्रुप, और यहां पर फिर ऑक्सीजन के साथ इसको आगे इंटरलिंक कर दीजिए। यहां पर आपके पास एक हाइड्रोजन भी मौजूद होगा। तो एक्राइलेट ग्रुप की बेसिक केमिस्ट्री ये होती है, ये कहीं आगे अटैच्ड और ये भी कहीं फर्दर अटैच्ड होगा। इनको हम बोलते हैं एक्राइलेट पॉलीमर्स बोलते हैं। ओके, रबर और लेटेक्स आप जानते हैं, ठीक है, नियोप्रीन का होता है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये कैसे काम करेगा। ओके, द लास्ट टर्मिनोलॉजी सिलिकॉन। सिलिकॉन, सिलिकॉन ऑक्सीजन की एक लंबी चेन होती है, हर सिलिकॉन के साथ
क्या लगे होंगे, दो ऑक्सीजन के एटम लगे हुए होंगे और दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे। सिलिकॉन बिलोंग टू फोर्थ ग्रुप, आपके चार बॉन्ड क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। मैंने बात की थी रबर के अंदर आमतौर पर क्या होता है, रबर के अंदर आपके पास नियोप्रीन यूनिट हुआ करती है, आइसोप्रीन भी बोलते हैं, नियोप्रीन भी बोलते हैं, थोड़ी देर बाद इसकी मैं केमिस्ट्री एक्सप्लेन करूंगा। फिर तो फर्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या निकला कि प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव जो होते हैं ये केमिकली एक्राइलेट होते हैं, लेटेक्स होते हैं या सिलिकॉन्स होते हैं। पॉइंट नंबर वन। दूसरी काम की बात, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहां पर ये है कि यहां पे वैन डेर वाल फोर्सेस कॉज एडहेशन, इसका मतलब है कि ताल्लुकात कमजोर हैं, ये चिपकना इतना मजबूत नहीं होगा। जब चिपकना इतना मजबूत नहीं है तो फिर इनको कहां पे इस्तेमाल करना चाहिए, इनको हैवी लोड के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नॉट ओके फॉर हैवी लोड्स। जिन दो चीजों को आप मिला रहे हो वो चीजें बहुत हल्की होनी चाहिए, पेपर होने चाहिए, पेपर को चिपकाने के लिए। हैवी चीजों को चिपकाने के लिए आपका प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव काम नहीं करेगा। एक और पॉइंट भी है कि आप ये भी कह सकते हैं कि इनको हम प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव क्यों कहते हैं, बिकॉज इनको अप्लाई करने के लिए बड़ा मामूली सा प्रेशर दरकार होता है। क्या होता है, बहुत ही मामूली सा। आप बाल के ऊपर जो टेप लगाते हैं तो टेप के ऊपर कितना जोर लगाएंगे, मामूली सा जोर लगाते हैं, वो खुद ब खुद लग रही होती है। तो याद रखें कि प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो आप लोगों ने मार्केट में टेप जो बाल के ऊपर लगाते हैं, एक और मिलती है मार्केट में डबल टेप, डबल टेप, ये क्या होते हैं, इनकी दोनों साइड से चीजों को जोड़ सकते हैं। PSA के बारे में हमारा ये गुमान होता है कि ये आम तौर पर एक्सपेंसिव तस्वर किए जाते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। और याद रखें यहाँ तुम्हें कोई सॉल्वेंट नहीं चाहिए, कोई ड्राई नहीं करना चाहिए, अप्लाई तो ऑटोमेटिकली खुद चिपक जाता है। देखें इसीलिए हमने इसको ड्राइंग एडहेसिव में नहीं डाला, एक अलग कैटेगरी है कि दो चीज़ों के दरमियान कोई रिएक्शन तो नहीं होगा लेकिन जैसे लगाओगे ये चिपक जाता है, इसको ड्राई करने की जरूरत, इसके सॉल्वेंट को इवेपोरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनको बोलते हैं प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव। ये मेरे पास सेकंड क्लास डिस्कस हो गई नॉन रिएक्शन बेस्ड एडहेसिव की। अब मैं जा रहा हूं एक और क्लास को डिस्कस करने दैट इज कॉन्टैक्ट एडहेसिव के नाम पे पहले गौर करें, नाम पे गौर करें, कॉन्टैक्ट एडहेसिव। इसमें ऐसे होता है कि आपने ये लेयर नंबर ए, ये आपके पास लेयर नंबर बी, ये दो लेयर हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, कॉन्टैक्ट एडहेसिव ऐसे करते हैं कि आप पहले यहाँ बी लगा लीजिए, इस सरफेस पे अलग लगाएं, इस सरफेस पे आप क्या करेंगे अलग लगाएं, थोड़ी देर के बाद इनको आफ्टर सम टाइम क्या करेंगे, इनको हम चिपका देंगे, तो क्या वाक्या हो जाएगी, फिर यहां पर एडहेजन वाक्या हो जाएगी। प्लीज याद रखें कि कॉन्टैक्ट एडहेसिव ये जो होते हैं ये स्ट्रांग होते हैं। ये जो बोर्ड का फार्मिका है, फार्मिका को वुड के ऊपर अटैच करने के लिए हम क्या लगाएंगे, हम कॉन्टैक्ट एडहेसिव को लगाएंगे। प्लीज याद रखें कि फिर इनकी केमिस्ट्री क्या होगी। तो कॉन्टैक्ट एडहेसिव जो होते हैं इसमें हम आमतौर पर नेचुरल रबर इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल रबर या फिर आर्टिफिशियल रबर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो मैंने पहले बात की है कि यहां पर आप नियोप्रीन या फिर आप उसको सिंपली कह दीजिए कि क्लोरोप्रीन यूनिट यहां पे काम करती है, केमिस्ट्री वाइज क्लोरोप्रीन यूनिट यहां पे काम करती है। ये देखें यहां पर CH2 आपके पास एक लॉन्ग पॉलीमर एक चेन की बात हो रही है, तो यहां पर कार्बन यहां पर क्लोरीन लगा होगा, क्लोरोप्रीन क्लोरीन लगा हुआ होगा। ओके तो यहां पर आपके पास वंस अगेन CH2 और यूं एक लॉन्ग चेन हुआ करती है। ओके तो ये मेरे पास कंटैक्ट एडहेसिव में नेचुरल रबर या आर्टिफिशियल रबर इस्तेमाल करते हैं, उसकी केमिस्ट्री क्या होती है कि उसमें नियोप्रीन की यूनिट पॉलीमराइज होकर बार बार इस्तेमाल हो रही होती है। याद रखें कि कंटैक्ट एडहेसिव की जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, मजबूत होती है। ओके ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग कंटैक्ट एडहेसिव। अब हमारे पास नॉन रिएक्शन बेस्ड एडहेसिव की सेकेंड लास्ट कैटेगरी में, बल्कि लास्ट कैटेगरी में जा रहे हैं, दैट इज इसको हम बोलते हैं हार्ट मेल्ट, हार्ट मेल्ट एडहेसिव भी बोलते हैं, या इनको आप लोग हार्ट ग्लूज भी आप कह सकते हैं। इसका हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट नाम भी है, पॉलीइमाइड्स। केमिस्ट्री वाइज बात हो गई कि दे आर कंसिस्ट ऑफ पॉलीइमाइड्स। ठीक तो हार्ट मेट एडहेसिव में कौन सा कंसेप्ट है, पहले नाम पे जाएं कि ये क्या होता है। ये पहले आपके पास क्या होगा, ये सॉलिड होता है, इसको आप हीट अप करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये लिक्विड बन जाएगा। तो लिक्विड जब होगा, लिक्विड के फॉर्म में आप अप्लाई करेंगे, लिक्विड की फॉर्म में आप अप्लाई करेंगे, जो ही ये वंस अगेन सॉलिडिफाई हो जाएगा तो तब तक क्या वाकया हो चुकी होगी, तब तक एडिशन वाकया हो चुकी होगी। हार्ट मेल्ट एडहेसिव आर मोस्टली पॉलीइमाइड्स इन नेचर। ये क्या होते हैं, ये पॉलीइमाइड्स होते हैं। और फिर मजे की बात क्या है, हार्ट मेल्ट एडहेसिव जो होते हैं दे आर थर्मोप्लास्टिक। मैं पहले भी बात कर चुका हूं, थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं, गर्म कीजिए सॉलिड से वो लिक्विड बन जाएगा, फिर लिक्विड को फिर ठंडा कीजिए वो सॉलिड बन जाएगा, फिर गर्म कीजिए वो फिर लिक्विड बन जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ करता है। याद रखें कि यहां पर ट्रांजिशन टेम्परेचर ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वाला कंसेप्ट भी बेस्ट अप्लाई होता है। उम्मीद है कि आपको याद होगा कि व्हाट इज ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। जब आपके पास सॉलिड से आप रबरी स्टेट में जाएं, आप फ्लेक्सिबल स्टेट में जा रहे होते हैं, सॉलिड से ग्लॉसी स्टेट से आप रबरी फॉर्म में जा रहे हैं, तो जिस टेम्परेचर पे ये कन्वर्जन वाकया होती है इसको बोलते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। यानी हार्ट मेल्ट एडहेसिव पहले आपके पास सॉलिड था, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट होगा, लिक्विड में जाएगा, लिक्विड की फॉर्म में अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद इसको छोड़ दीजिए, जब सॉलिड होगा, सॉलिड कब होगा, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से ये फिर गुजरेगा तो सॉलिडिफाई हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे याद रखिए कि हार्ट मेल्ट एडहेसिव में जनरली जिस टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं वो 65 से लेकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुआ करता है। इसकी केमिस्ट्री क्या होती है, इट्स वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट मेल्ट एडहेसिव पॉलीइमाइड्स की बात हो चुकी है, ये पॉलीइमाइड्स होते हैं। इसके अलावा आप इसमें EVA भी इस्तेमाल कर सकते हैं, EVA इथाइलीन विनाइल एसीटेट, इथाइलीन विनाइल एसीटेट, इथाइलीन CH2 डबल बॉन्ड, विनाइल भी आप जानते हैं, एसीटेट भी हो चुका है, तो या इसमें हम पॉलीमाइड्स इस्तेमाल करते हैं या फिर EVA इस्तेमाल करते हैं। हार्ट मेल्ट एडहेसिव जो होते हैं इनमें एक और कमाल भी मौजूद है कि ये लोग
मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, मॉइस्चर रेजिस्टेंस होते हैं। हाँ, एक टर्मिनोलॉजी जो बार बार हम इस्तेमाल करेंगे, क्योर, जब एक एडहेसिव आपने अप्लाई कर दिया है और अप्लाई करने के बाद आपका मकसद क्या था, चीजों को जोड़ना मकसद था, तो जब अटैचमेंट एडहेशन क्या हो जाए, मुकम्मल कंप्लीट हो जाए ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्योरिंग। तो याद रखें कि हार्ट मेल्ट एडहेसिव बाज़ोकात 24 घंटे भी लेते हैं, 24 घंटे तक इनकी चिपकाहट वाला जो मसला होता है, प्रोसेस जो होता है वो जारी रहता है। अब हम आते हैं रिएक्शन बेस्ड एडहेसिव की जानिब। मैं फिर बता रहा हूं, नॉन रिएक्शन बेस्ड एडहेसिव जो थे वो ड्राइंग एडहेसिव था नंबर वन, नंबर टू आपके पास था पीएसए, नंबर थर्ड आपके पास था कॉन्टैक्ट, नंबर फोर आपके पास था हार्ट मेल्ट एडहेसिव। ओके, हम अभी नेक्स्ट तरफ जाएंगे। रिएक्शन बेस्ड एडहेसिव, जब अटैचमेंट आपके पास स्टिकिंग का जो प्रोसेस है, अटैचमेंट का जो प्रोसेस है, एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हो, इस प्रोसेस को फिर हम बोलते हैं केमिकल एडहेशन, और इनको बोलते हैं रिएक्शन बेस्ड एडहेसिव। तो बेसिकली हमारे पास रिएक्शन बेस्ड एडहेसिव की दो मेन टाइप्स हैं, दो मेन टाइप्स हैं। वन पार्ट एडहेसिव, मल्टीपल पार्ट्स एडहेसिव। प्लीज बातों को समझिए, मल्टीपल पार्ट एडहेसिव में क्या होता है, मल्टीपल पार्ट में यहां पे क्या होगा, मोर देन वन रिएक्टेंट आर मिक्स्ड अप, मोर देन वन रिएक्टेंट, हम मोर देन वन रिएक्टेंट को मिक्स अप करेंगे। ओके, अब यहां पे याद रखें कि आपके पास किसको आप मिक्स कर रहे हैं, आपके पास इपॉक्सी है, आपके पास है पॉलीयूरेथेन्स है, आपके पास, ओके, आपके पास है पॉलीइमाइड्स, ये पॉलीमर्स हैं जो यहां पे पाए जाते हैं मल्टीपल पार्ट एडहेसिव में, या वो इपॉक्सी का रेजिन होगा, या वो क्या होगा, पॉलीयूरेथेन होगा, या फिर क्या होगा आपके पास, वो पॉलीइमाइड होगा आपके पास। ओके, अब इपॉक्सी क्या हुआ करता है, इपॉक्सी, आपको ये पॉइंट्स आने चाहिए, इपॉक्साइड से ये लफ्ज निकला है। ओके, ये देखें, ये आपके पास एक इपॉक्साइड है, इपॉक्साइड ग्रुप के बाद यहां पर देखें कोई ग्रुप यहां पर लगा हुआ होगा, लेट सपोज मेरे पास ये ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर क्लोरीन है, या आप यहां पर भी क्लोरीन लगा सकते हैं, तो ये इपॉक्सी ग्रुप मौजूद है, तो वो वाले एडहेसिव जहां पर इपॉक्सी मौजूद हो। अब ये यूरेथेन्स क्या होते हैं, यूरेथेन्स ये आर एक्चुअली कार्बामेट्स, ये क्या होते हैं, ये कार्बामेट्स होते हैं। कार्बामेट्स क्या बला होती है, ये देखें, CONH2 यहां पर ऑक्सीजन के साथ जनरली इथाइल ग्रुप अटैच होता है, यानी इथाइल कार्बामेट्स ये लोग होते हैं। अब यहां पर काम की बात सुनिए प्लीज, मल्टीपल पार्ट एडहेसिव में हर कंपोनेंट अलग भी एडहेसिव होता है, लेकिन जब इनको हम मिक्सअप करते हैं तो ये क्या करते हैं, जब इनको हम मिक्सअप करते हैं then they cause cross-linking, ये cross-linking करते हैं, बाकायदा proper covalent bond बनाते हैं। ओके, यानी cross-linking के थ्रू ये मजबूत covalent bond बनाते हैं, जब इतने ये मजबूत होंगे तो फिर तो जहरी सी बात है, फिर तो जहरी सी बात है कि heavy loads के लिए भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। multiple part adhesive में मोर देन वन कंपोनेंट्स होंगे, वो हर कंपोनेंट अलग भी एडहेसिव होता है, पॉइंट वन, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं होता। जब इनको मिक्सअप करते हैं, इनको जब मिक्सअप करते हैं, मिक्स कर किसको करते हैं, इपॉक्सी रेजिन्स होते हैं, पॉलीयूरेथेन्स होते हैं, पॉलीइमाइड्स होते हैं। ओके, इमाइड्स
आप जानते हैं ओके इमाइंस के खानदान का डेरिवेटिव होता है ये. अब हम जाते हैं कि वन पार्ट एडहेसिव में क्या होते हैं. वन पार्ट एडहेसिव जो होते हैं इसके अंदर फर्दर तीन बुनियादी क्लासें हैं. वन पार्ट एडहेसिव की बुनियादी बात, देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट, देयर इज ओनली, आपके पास जो एल्फी होती है वो वन रिएक्टेंट होता है. एल्फी अपने ट्यूब के अंदर जब तक होती है नहीं चिपकती, जैसे आप बाहर निकालते हैं फिर चीज़ों का चिपकना क्या हो जाएगा, मुमकिन हो जाएगा. तो याद रखें कि यहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है कि कौन क्योर करेगा उसको. वो जो एडहेसिव है चीज़ों को जो अटैच करेगा, स्टिक करेगा, वो स्टिकिंग का जो प्रोसेस है उसकी जो क्योरिंग वाक्या होती है वो जब हार्ड हो जाता है अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो उसके काम की जो कंप्लीशन है वो क्यों कर मुमकिन हुई है. तो लाइट से हुई है, वो आपने हीट से की है या वो आपने मॉइस्चर से की है. इसकी तीन क्लासें होती हैं, क्योरिंग बाई हीट, क्योरिंग बाई लाइट, क्योरिंग बाई मॉइस्चर कंटेंट. याद रखें जो आपके पास जो मॉइस्चर कंटेंट से होते हैं, जो आपके पास क्या होते हैं मॉइस्चर कंटेंट से होते हैं, ये लोग सियानो एक्राइलेट्स होते हैं. क्या होते हैं ये लोग? सियानो एक्राइलेट्स होते हैं. एक्राइलेट मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि एक्राइलेट किसे बोलते हैं. क्या होते हैं ये? एक्राइलेट के ऊपर, एक्राइलेट के ऊपर सियानो ग्रुप लगा हुआ होगा. तो मॉइस्चर क्योरिंग सिंगल कंपोनेंट एडहेसिव में सियानो एक्राइलेट्स ग्रुप हुआ करते हैं. ओके, इसके अलावा यूरिथेन्स भी यहाँ पर मुमकिन है. कोई ऐसी बात नहीं कि हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते. बुनियादी बात ये होती है कि इसके रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए आमतौर पर जैसे ही आप बॉटल से निकालते हैं तो लाइट, एयर के अंदर मौजूद मॉइस्चर कंटेंट एक्ट अपॉन दीज थिंग्स और वो प्रोसेस क्योरिंग वाला वाक्या हो जाएगा. यूं हमारी एडिशन क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी. मैं फिर रिपीट कर दूं कि रिएक्शन बेस्ड जो एडहेसिव होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, कि कंपोनेंट रिएक्टेंट एक है या कई रिएक्टेंट हैं. रिएक्टेंट एक है तो फिर उसके बाद वो उसकी जो क्योरिंग प्रोसेस होती है वो लाइट बेस्ड है, हीट बेस्ड है कि मॉइस्चर बेस्ड है. ओके, और अगर मोर देन वन कंपोनेंट्स हैं तो किन किन को आप मिक्स कर रहे हैं इसके मुताबिक इनको हम नाम दिया करते हैं.